तो सबसे मित्र हमारे बीच में सो लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल फैक्ट फर्स्ट. आप सब शिक्षक बनने वाले हैं, ये फैक्ट हम सभी जानते हैं कि सबका डीएनए यूनिक होता है, यस सर नो? तो क्या हम अपनी यूनिकनेस के लिए एक बार क्लैप कर सकते हैं? चलिए, वेरी गुड. सो अब थोड़ी एनर्जी आ गई. मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, मैम ने भी सारे पॉइंट्स बोल दिए, बट सिलसिलेवार तरीके से. जो सबसे पहला पॉइंट है वो साइकी का पॉइंट है. जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये मान के चलिए कि ये एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस है. वो जो हमारा दिल धड़कता रहता है ना, दिल के तारों में झंकार पैदा हो रही होती है, पता नहीं क्या ही होगा. और ये बड़ा पुराना है, मतलब स्कूल के दिनों में भी, वाइवा के समय में देखो, नवीं क्लास में हैं, जब टीचर निकल रहा होता, भाई तेरे से क्या पूछा. तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सारा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि हमने बिल्डअप किया, पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, और फिर आता हुआ काम वहाँ पर ख़राब करके आ जाते हैं. तो इसको समझ के जाइए कि वहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया गया, एलिमिनेशन होना होता तो पहले हो गया होता. तो ये जो मैम ने यहाँ पे लिखा है ना, बेस्ट फिट फॉर द जॉब, ये एटीट्यूड ऑटोमेटिकली डेवलप करके जाएंगे. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई मैं सब जानता हूँ. हाँ, मैं टीचर हूँ, हमने पीछे वाले इंटरव्यूज में देखा एक सर का, तो उन्होंने इस तरह से दिखाया कि नहीं मुझे पता है. तो ये नहीं बताना है मुझे पता, बिकॉज टीचर बनने से पहले हम सबसे पहले क्या होते हैं, लर्नर होते हैं, और वो एटीट्यूड हमें दिखाना है. दूसरा, जो हमारे पास एरियाज हैं जो इंटरव्यूज़ के जरिए वो असेस करते हैं, एक तो सेल्फ अवेयरनेस वाला एरिया, और ये एरिया काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत अच्छे से खेला जा सकता है. सबसे पहला क्वेश्चन लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 10 डिफरेंट वेज एंड कैन ऑल्सो बी आंसर्ड इन 10 डिफरेंट वेज एंड नो आंसर इज राइट आर रॉन्ग. पहली बात तो ये समझ लीजिए, इंटरव्यू एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है. लेकिन जैसा मैम ने भी कहा कि आप जो भी जवाब में बोल रहे हैं, अगला सवाल वहाँ से पैदा होने वाला है. ये मत सोचिए कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन्होंने हॉबी पूछी, मैंने दो बोल दिया, वो चुप हो जाएंगे. फिर पूछेंगे अच्छा इंटरेस्ट बताओ, फिर वो पूछेंगे अच्छा आपने स्ट्रेंथ क्या है, आपने दो बोले, पंक्चुअल, ऑनेस्ट, वो चुप होकर आगे बढ़ जाएंगे. एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो लिखिए और बोलिए वही जो आप संभाल सकें, और लिखिए और बोलिए वो चीज़ें जो आपकी पर्सनैलिटी की खूबसूरत बातें बताएं, बिकॉज इंटरव्यू अंतरदर्शन है. सारे मुखौटे उतार करके असली चेहरा बाहर निकाला जाता है. वहाँ पर हम सब सारा ज्ञान लेके जाते हैं कि ऐसे बैठना होता है, ऐसे बोलना होता है, बट सामने वाला जब दिमाग की दही करता है तो रायता तो फैला के आते ही हैं. आया ना, फिर लगता है यार गड़बड़ कैसे हो गई. तो जो आपका सेल्फ अवेयरनेस में है, इसमें इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अच्छे तरीके से, और खासतौर से जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच करना चाहिए आपका, राइट? जेनेरिक ना हो, जनरल ना हो. दूसरा आपका जो पॉइंट है हॉबीज़ और इंटरेस्ट का, वो भी रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है? और कुछ वो इस तरह की पर्सनालिटी ट्रेट्स दिखाए जो एक टीचर के अंदर होना चाहिए, खासतौर से स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने में. फिर आती है बात स्ट्रेंथ वीकनेस की, ये सब सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आते हैं, राइट? स्ट्रेंथ वीकनेस, तो आपकी जो भी अचीवमेंट्स रही हैं उसके साथ अपने स्ट्रेंथ्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं. जैसा मैम ने पहले भी एक सवाल पूछा कि कितने लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो अगर वो एक्सपीरियंस है आपको तो वहाँ से इंसिडेंट लेकर के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर क्लास के लिए पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ और इस तरह का सिचुएशन आया और मैंने ये किया. तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है रादर देन यूजिंग बिग वर्ड्स अबाउट योरसेल्फ. जैसे हमने जो लास्ट इंटरव्यू किया था उसमें सर ने लिखा था पंक्चुअल और सोफिस्टिकेटेड और ऑनेस्ट, ये बहुत भारी वर्ड हैं. डोंट एवर मेंशन दीज वर्ड्स. एंड इफ़ यू हैव सीन माय वीडियो, आई हैव डिस्कस्ड अ मेथड दैट इज कॉल्ड सार, SAR, दैट इज द सिचुएशन, एक्शन एंड रिजल्ट. सो बिल्ड अ शॉर्ट स्टोरी जो भी इस इंसिडेंट है उसके अराउंड, और वो आप ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा रिलेटेबल होता है रादर देन बड़े बड़े शब्दों के फेंकने के. हाँ, आपकी लाइफ से कोई एनेक्डोट हो तो मैंने आगे मेंशन भी किया है. आपके जीवन का कोई भी वृत्तांत है, कोई भी घटना है जिससे आपको लगता है कि आपने किसी बच्चे से कुछ सीखा, आपने कोई फैमिली मेंबर है जो टीचर है वहाँ से कुछ इंस्पायर हुए आप, कोई भी बेसिकली जो भी आपकी लाइफ के एनेक्डोट्स हैं, कुछ कुछ कहीं ना कहीं से निकल आएगा लाइफ में. सही बोल रहे हैं सर. ये नहीं बोलना कि कुछ नहीं हो रहा था तो टीचर. हाँ हाँ, ये तो कभी नहीं. मैम के पॉइंट से अगला सवाल, व्हाई टीचिंग? हमने लास्ट वाले इंटरव्यू में देखा KVS बहुत अच्छा ब्रांड है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, बहुत ये है वो है. भाई KVS की तारीफ थोड़ी करनी है आपको. KVS वाले ये सुनने के लिए उनके कान तरस रहे हैं कि भाई आपके अंदर ऐसा क्या है कि हम आपको एंट्री दें. वो अपने लिए वहाँ पे मतलब अपनी डेफिनेशन और अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए नहीं बुला रहे. तो वाई टीचिंग का जवाब बहुत सही होना चाहिए. एक तो जब भी हम गवर्नमेंट लोग वाले एस्पिरेंट से ये सवाल पूछते हैं वाई गवर्नमेंट जॉब, सीधा जवाब आता है सिक्योरिटी. तो थोड़ा बचिएगा इससे. सिक्योरिटी हम सभी को चाहिए, ग्रोथ डेवलपमेंट हम सभी को चाहिए, बट आप इंटरव्यू में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं. आप खुद जरा एक सिचुएशन को इमेजिन करिए. सपोज यू हैव स्टार्टेड अ कंपनी और आपने इंटरव्यू के लिए लोगों को बुला रखा है. मैं भी उस इंटरव्यू में हूँ,
आप मुझसे पूछो कि सर आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं कहूँगा जी मुझे 30 तारीख को सैलरी मिलेगी, मेरा ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, बहुत दिनों से मन में इच्छा थी कॉर्पोरेट में नौकरी करनी है, थैंक यू सर। तो ये भीख मांगने वाला काम है भाई, तुम बस जो मुझे चाहिए वही बोल रहे हो, आपके कान क्या तरस रहे होंगे, तुम कुछ ऐसा बोलो जिससे मुझे ये लगे कि इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए, हमारी कंपनी के लिए जिस तरह की स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है तुम्हारे अंदर वो है। सो व्हाट एवर आंसर्स यू आर गिविंग उसके अंडर टोन में ये होना चाहिए कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही हूँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत अपफ्रंट होकर के। मैं एक छोटा सा उसमें इंटरव्यू वाले वीडियो में भी शेयर किया था, आपके साथ भी करता हूँ, एक फिल्म थी लेडीज़ वर्सेज रिकी बहल, याद आ रहा है ना, उसका सीन मैंने डिस्कस किया था, मैंने आज से 8 साल पहले जाकिर हुसैन दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है वहाँ पर भी शेयर किया था ये। उस सीन के अंदर क्या होता है कि अनुष्का शर्मा सेल्स गर्ल है, 3 लड़कियाँ आती हैं, तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और तीनों को वो अलग अलग तरीके से चीज़ें बेचती है। सीन याद है, नहीं याद होगा तो देख लेना, जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ अनुष्का याद है बस इनको या आपको तो, सर अभी शादीशुदा हुए हैं, सबको याद है यार। मैं बहुत सॉरी सर, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं इतने मूवीज के एग्जांपल देती हूँ, मैंने ये पता नहीं क्यों नहीं देखी है मूवी, आज ही देखूंगी। हाँ तो उसमें क्या होता है मैम कि अनुष्का शर्मा सेल्स गर्ल होती है, परिणीति चोपड़ा दिल्ली के एक बड़े बाप की बेटी, वो एंट्री करती है। एक उसमें कैरेक्टर है जो लखनऊ की रहने वाली लड़की है, मिडिल क्लास, और एक उसमें कैरेक्टर है कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव का, दीपान्विता शर्मा प्लेड दैट कैरेक्टर, शी इज ITIM पास आउट। द मोमेंट शी एंटर्ड, वो दीपान्विता शर्मा को लेके जाती है आपके वाइन ग्लास सेक्शन में, कहती मैडम नेक्स्ट पार्टी में आप पुरानी ग्लास में वाइन देंगी तो लोग कहेंगे आप बहुत कंजूस हैं। परिणीति चोपड़ा को ले जाती है फैंसी आइटम सेक्शन में, और जो सलवार सूट पहने वो मिडिल क्लास की लड़की है उसको लेके जाती है क्रॉकरी वाले सेक्शन में, और तीनों को चीज़ें बेच देती है। सो इंटरव्यू एक्चुअली यही प्रोसेस होता है, यू आर सेलिंग योर कैंडिडेचर, बिकॉज फॉर अ जॉब देर आर 10 पीपल, हाउ डू यू सब्सटेंशिएट योर केस? सो फाइनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर पार्टी एंड देन फ्रेम योर आंसर इन सच अ मैनर दैट शुड फुलफिल द रिक्वायरमेंट। उसने ये नहीं कहा कि मैडम ये नया आइटम आया है, तीनों को एक साथ लगा दिया, तीनों को पर्सनैलिटी टाइप देखी, ड्रेसिंग सेंस देखा, इनको क्या चाहिए उधर ले गई और चिपका दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कैन बी आस्ड इन 10 डिफरेंट वेज एंड कैन ऑल्सो बी आंसर्ड इन 10 डिफरेंट वेज। आपको ये पिक करना है कि आप किस पर्टिकुलर जॉब के लिए, आप HR का इंटरव्यू कर रहे हैं, आप IT की जॉब के लिए, मैं क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया, बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया, इंजीनियर्स MBAs, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। वही 10 साल पुराना 15 साल पुराना मेरा नाम ये है, यहाँ पैदा हुआ था, यहाँ पाई जाती हूँ, इतने नंबर लिए, भाई साहब वो पेपर पे भी लिखा है, क्यों बोर करते हैं, वही लोगों की गर्दन नहीं उठती 30 सेकंड तक हमारा वो जो चल रहा होता है। तो आप कुछ ऐसा बोले ना कि पहले 30 सेकंड 40 सेकंड में उनको थोड़ा सा आया कि अच्छा हाँ कौन आया कैंडिडेट, वो जो यूनिकनेस पे हमने ताली बजाई वो निकल के आना चाहिए, वो हर्ड मेंटेलिटी निकल के ना आए कि सब पंक्चुअल ऑनेस्ट हार्डवर्किंग, सब वही कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं। हमने तो पिछली बार जब CV देखी थी वो कॉपी पेस्ट लग रही थी, उन्होंने कहा हाँ सर मैं जल्दी से गया कैफे पे करा के ले आया, क्यों कर रहे हो ऐसे आप, उन्होंने मतलब टीचिंग से कोई रिलेटेड उनका ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। तो थोड़ा स्पेसिफिक रहिए, ठीक है? तो व्हाई टीचिंग, आपको बात समझ आ गई किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ। जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि मतलब क्या वो अच्छे पॉइंट्स रहेंगे जिनको ये लोग अपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में अगर लगाना चाहें, जैसे आपको ही बताना हो तो अब जैसे मुझे मान लो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, मैं कैसे करूँगा, पानी पी लूँ पहले? देखिए आपको इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के अंदर ना डेमोग्राफिक डिटेल्स तो देनी होती हैं, लेकिन वहीं पे चुप नहीं हो जाना है, उनको कुछ ऐसा चारा जरूर फेंकना है जिससे वो कुछ अगला सवाल पूछ सकें, ठीक है? सो अब जैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ कि माय नेम इज सत्येंद्र तिवारी, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री फॉर ओवर 10 ईयर्स, आई हैव वर्कड विद कॉर्पोरेट्स, आई हैव वर्कड विद लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, आई एम अ सर्टिफाइड कॉर्पोरेट एंड लीडरशिप ट्रेनर, माई एक्सपर्टीज इन टू NLP एंड माइंड मैपिंग, आई लव टू हेल्प आउट द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल इन रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल। तो अब ये क्या कर रहा है, अब देखो डेफिनेटली मैं पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे इंट्रोडक्शन में जो मैंने किया है वो निकल के आ गया 20 सेकेंड के अंदर अंदर, ठीक है? अब मैं वहाँ पर बहुत सारे अगर एग्जाम्पल्स ले लो, मैंने छोटा रखा है, अदरवाइज मैं कॉर्पोरेट्स के नाम भी ले सकता हूँ, इंस्टीट्यूशंस के नाम ले सकता हूँ, दैट कुड बी इम्पैक्टफुल, लाइक आई हैव वर्क विद टाटा पावर, HCL, SBI,
I have trained up to the mid-management level of those companies, right? My expertise into NLP and mind mapping, I'm pretty specific. Neuro-linguistic programming and mind mapping. And these techniques are used in corporates in enhancing their overall performance, right? तो अब ये लग रहा है कि हाँ ये स्पेसिफिक जा रहा है तो वो स्पेसिफिसिटी आपको मेंटेन रखनी होती है अपने इंटरव्यूज के अंदर राइट सो सेल्फ अवेयरनेस की बात हो गई अब आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर जो भी कुछ आसपास हो रहा है मैम ने हमने लास्ट टाइम पूछा भी था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित और केवीएस हाँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा जरूरी अगर पेडागॉजिकल कोई कॉन्सेप्ट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको आप जरूर पढ़ के जाइए दूसरा एक और चीज कोशिश कीजिए जितनी पेडागॉजी आपने सीटेट में पढ़ी है केवीएस में पढ़ी है टर्मिनोलॉजी थोड़ी याद कर पाए हम ये ना कहें अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं उनको पढ़ा देंगे हम विभिन्नता की बात करें हम डाइवर्सिटी की बात करें कि डाइवर्स लर्नर्स होंगे मतलब वो की पॉइंट्स जो हैं पेडागॉजी में अगर आप वैसे तो आप लोगों ने पेडागॉजी पढ़ी ही है मैराथन नहीं देखिए वो देख लो नोट्स पढ़ लो बेसिक टर्मिनोलॉजी रख लो दिमाग में मैं यहाँ पे नोट भी करते चलता हूँ सो दैट कि हम उसको थोड़ा ट्रैक कर पाए तो जनरल अवेयरनेस के अंदर जो है जनरल अवेयरनेस में वही बात की आपसे कोई ऐसा नहीं कि वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जाएगा इट्स नॉट लाइक दैट बट वो डेफिनेटली आपके केवीएस से संबंधित क्वेश्चंस हो सकते हैं केवीएस की स्थापना कब हुई कितने केवीएस हैं या कोई और मामला अगर चल रहा हो जैसे लास्ट में सर ने क्वेश्चन पूछा था कोई अगर इशू चल रहा है तो उससे संबंधित पता होना चाहिए ये दिखा रहा होता है कि यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब इसलिए नहीं कि नौकरी चाहिए टाइप राइट वो निकल के आना चाहिए और रियली पैशनेट अबाउट दैट तो मैंने जनरल अवेयरनेस वाली बात कर ली इसमें आपका इंट्रोडक्शन हॉबीज इंटरेस्ट स्ट्रेंथ वीकनेस ये सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे हाँ जी मैम डेफिनेटली यू शुड हाँ मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था इसीलिए मैंने बताया कि मैं मुझे अभी जैसे आप करियर में जब एक लंबे समय तक चले जाते हो तो फिर वहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होता आपको काम बताना होता है अपना आप लोग क्योंकि जा रहे हो तो आप तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओगे हाँ वो बिल्कुल कॉमन रहेगा और वो डिटेल्ड होना चाहिए उसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए जैसे मैम ने कहा जैसे हमने लास्ट में एक सर ने ट्रेनिंग का अपना पोर्शन ही मेंशन ही नहीं किया था तो जो भी कुछ आपका है टीचिंग से संबंधित वो जरूर मेंशन करें पूरा बेसिकली सर ये नहीं कह रहे हैं कि आपको बताना ही नहीं है कि आपने क्या किया है आपको आराम से बताना है ये भी बताना है कहां से हैं आप क्योंकि उसमें भी वो कई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार अगर आपका बहुत सिग्निफिकेंट कोई ऐसी जगह है या ज्योग्राफिकल कोई उसकी इंपॉर्टेंस है होगी जो कि हर जगह की होती है तो जहां से आप हैं वो बता देंगे थोड़ा सा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी बताएंगे एक्सपीरियंस है तो वो जरूर बताएंगे क्योंकि क्वालिफिकेशन तो सबकी ही है एग्जैक्टली तो वहां से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ लेंगे आपसे तो आपका जो जहां से भी आप हैं नाम हो गया ये तो बेसिक चीजें सभी को बतानी है लेकिन अगर कुछ स्पेशल है जो सर कह रहे थे वो वही था कि अगर कुछ भी स्पेशल है जैसे आपने कुछ कहीं कोई कोर्स किया हुआ है मान लीजिए कोई लैंग्वेज का अलग से कर लिया या फिर आपने कोई स्पोर्ट्स में कहीं पार्टिसिपेट किया था किसी को करिकुलर में या कहीं पर भी कुछ भी अलग किया हुआ है तो उसको भी साथ में वहां मेंशन कर दो कि ये मतलब मेरे बारे में कुछ स्पेशल है तो सर वो कहने की कोशिश कर रहे थे ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है वो सब बताना है सारी चीजें बतानी है हाँ जी मैम कोई इशू नहीं है कल मेरे पास भी एक क्वेश्चन सोशल मीडिया से आया था एक मैम थी वो पीजीटी कंप्यूटर्स हैं और वो अभी छत्तीसगढ़ में है तो मैंने उनको बोला कि आप आ तो नहीं सकते वो शायद बाद में आएंगे उनका भी यही सवाल था कि शी इज बॉर्न ब्रॉट अप इन उत्तर प्रदेश बट मैरिड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस तो वहाँ के दोनों के बारे में जहाँ पैदा हुए तो वो भी बताना जरूरी है ऐसा नहीं कि जहाँ हमारी शादी हुई है हम रह रहे हैं वहीं पर जरूरी है तो आप उस डिटेल में बता सकते हैं अब उनके मन में ये आ सकता है कि वो वहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ सकें अब सपोज आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हो उसकी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है या ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है सो क्वेश्चन कैन बी आस्क फ्रॉम दैट एरिया एज वेल इवन मैंने इसीलिए नेम भी मेंशन कर दिया है कि नाम के मीनिंग से भी सवाल आ जाते हैं कई बार तो मोड ऑफ कन्वेंस के ऊपर सवाल आ जाते हैं मैंने कई बार पूछा मेट्रो से मैंने पूछा भैया डीएमआरसी का हेड कौन है उस समय मंगूराम थे नहीं जवाब होता लोगों के पास तो और या कौन सी कंपनी की है मेट्रो बम्बार्डियर लिखा होता है बट यू हैव नो आइडिया आप रोज ट्रेवल करते हो तो मैं कैसे ये चेक करूंगा कि आप जहां रहते हो वहीं रहते हो बिकॉज दैट्स द वेरी बेसिक क्वालिटी ऑफ अ टीचर जैसे मैं आपने ऑब्जर्वेशन की बात की आप ऑब्जर्वेंट हो गए ही तभी व्हेन यू आर इन द मोमेंट जब आप खोए खोए हो मेट्रो का दरवाजा खुला घुस गए बाहर निकल आए हैं कर दो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो और कॉन्फिडेंटली करो फ्लो में मैं वही कहा कि हम मतलब जानती भी चीजें गड़बड़ इसलिए कर देते हैं ना कि डरते बहुत हो उसको डरना नहीं है मैम बिल्कुल आराम से आप बताइए एसआरटी मैम
अच्छा हाँ मैं उस पर भी आऊँगी। अभी मैम भी उस पर बात करेंगे क्योंकि मैम प्रॉपर स्कूल में काम भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ डील कर रहे हैं काफी सालों से। मैं ये जो एरिया जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना उसमें वो चीजें आएंगी जो सिचुएशन दी जाती है। मैम पूछती भी है मॉक इंटरव्यू में, बहुत अच्छे सिचुएशन क्वेश्चंस पूछती है मैम, मेरे को परेशान करने लग जाती है। माई नेम इज वट एवर इज योर नेम एंड आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार झारखंड, करेंटली आई एम लिविंग इन जिस भी प्लेस में आप रह रहे हो। So I was born in Bihar. I have done my education qualification from Jharkhand and currently I am living in Delhi. ठीक है ना, आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जैसे सर ने बोला है ना, वो places के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप बिहार में born हुए, आपका existence वहाँ से start हुआ और आपको basically उसके बारे में नहीं पता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो थोड़ा बहुत बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, क्या झारखंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आपको लगता है कि पिछले 20 सालों में जिसलिए बनाया गया था, तो थोड़े बहुत हाँ बिल्कुल वो अंडरस्टैंडेबल है। तो नहीं, वो तो वो समझते ही हैं कि क्यों हो, कोई ना कोई रीज़न होता है, ऐसे तो कोई नहीं जाता, ऐसा नहीं पूछते क्वेश्चन, बस अवेयरनेस पूछते हैं, यू आर अवेयर और नॉट। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही फेंक रहे हो कि मैं बिहार से हूँ, पर क्वेश्चन पूछेंगे पता चल जाएगा कि हो कि नहीं हो, है ना। तो ऐसे इसमें जैसे मैम कंफ्यूज हैं, देखो जो आप हैं उसको आपको कोई छिपाने की जरूरत नहीं है, कोई क्रिमिनल थोड़ी है यार, हम लोग नॉर्मल लोग हैं ना। तो जो भी आप जहाँ से भी हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, कोई उसमें शर्म की बात नहीं है। बस इसमें जैसे मैम कह रही थी अभी कि बता देना है, देखो अगर ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा हो, मतलब कोई वहाँ पे एस्पिरेंट हो और उनका जो बैकग्राउंड है, उनके फादर मिलिट्री में हो या किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में रहे हो या कोई भी ऐसी जॉब हो जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही रहते हैं, तो हो सकता है अगर आप 6 जगह गए हैं तो 6 की 6 जगह आप मेंशन ना करें, बट बता दें कि मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, मैंने 10th यहाँ से की थी या 12th वहाँ से की थी, थोड़ा 2-3 चीज़ें बता करके, और के मेरे जो फादर हैं वो इस सर्विस में थे इसलिए मैंने ट्रैवल किया इंडिया में। और ये एग्जैक्टली KVS के लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि आप जगह जगह रह चुके हैं, तो मतलब आपको है वो डाइवर्सिटी का अंदाज़ा, आप अडेप्ट कर जाएंगे। तो इन चीज़ों में जो आप हैं, मतलब मैं तो आज तक हर एक सेशन में बात होती है गाँव के बारे में, तो मैं हमेशा बात करती हूँ भाई जो हम हैं या जो भी हमने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, जो भी आइडेंटिटी फॉर्म हुई उसमें क्या शर्म की बात है या क्या गलत हो सकता है, ऐसा तो कुछ हम लोगों ने किया ही नहीं है कि भाई मतलब कुछ हटवाना पड़े जा करके, तो नॉर्मल चीज़ है हमारे बारे में, उसके बारे में शर्माना नहीं है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। बस आप जो कह रहे हैं उनको उसका जवाब आपके पास हो, और जवाब होगा ही यार, जो आपने जिया है उसका जवाब क्यों नहीं होगा आपके पास। हो सकता है किसी बात का ना भी हो तो कोई गोली से थोड़ी उड़ा देंगे, मतलब अपना सॉरी बोल देंगे हम, या फिर उस टाइम पे जैसा भी जो भी सिचुएशन होगी। तो आप लोग उतने कैपेबल हैं, इस चीज़ को लेकर डरिए मत जी। हाँ क्या होता है कि आप लोग ना बहुत ही आइडियल आंसर चाह रहे हो, आइडियल आंसर कुछ नहीं होता है ना, और ऑनेस्ट आंसर चाह रहे हो। अब कोई पूछे जॉब क्यों चाहिए, ऑनेस्ट आंसर क्या है, पैसा कमाना है, ऑनेस्ट तो यही है ना। तो बट आएगा क्या ये अंदर से, ईश्वर भी आपको बोल रहा है हाँ सच बोल गया ये, बट ऐसा होता है क्या, ऐसे नहीं बोलना। तो कोई आंसर भी आइडियल नहीं होता, और उस तरीके से बात यह है कि जिस इंटरव्यू के लिए आप आए हो, जो जॉब आप करना चाहते हो, जो जॉब आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर देना है, आप खुद सोचिए ना। आप अगर किसी का इंटरव्यू लोगे तो क्या सुनना चाहोगे, पैसा कमाना है, ऐसा तो है नहीं। और मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये कितना अच्छा पॉइंट है कि आप कहीं और पैदा हुए, एजुकेशन आपने कहीं और से ली, और अभी कहीं और रह रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग जगह रह सकते हो, है ना। और जॉब के साथ तो ऐसा ही होना है कि जब जॉब होगी उसमें ट्रांसफ़र होगा, एक जगह जाना है दूसरी जगह जाना है, तो उसमें पता चलता है कि आप अडेप्ट कर लेते हो, है ना। तो यही वाली चीज़ है। और दूसरा, आप जैसे परेशान होते हो सर ऐसा हुआ तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो फिर तो हो गया। आपको ये ध्यान में रखना है ना कि यू आर द ड्राइवर ऑफ द होल प्रोसेस, गाड़ी उधर ले जाइए जिधर चलाना अच्छा आता हो, वही बात है कि सवाल और बेहतर बने वहाँ से। अब जैसे वो बहुत अच्छे से रिलेट हुआ कि अगर आप 3 जगहों पे रहें इसका मतलब कि पहले से आपको एक्सपोजर रहा है, और वो चीज़ एक वैल्यू एडिशन है इस जॉब के लिए, बिकॉज यू कैन ईजिली अडेप्ट विद द थिंग्स। ये जैसे स्पोर्ट्स वाला भी है, जैसे लास्ट में एक जो हमारा एक्सपीरियंस था कि एक सर थे, वो 2 साल का उनका एक्सपीरियंस हॉकी में था, उन्होंने स्टेट लेवल पे खेला था, बट इंटरव्यू में उन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं किया, सबसे छिपा के लास्ट में छोटा सा लिखा था। तो आपका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर या स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, या सपोज डिबेट डेक्लेमेशन किसी तरह के इवेंट में रहे हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहे हो आप, तो ये चीज़ें वहाँ पर मैंशन करो, बिकॉज ये सिंपली सब्सटेंशिएट करता है दैट यू आर गुड एट पीपल स्किल्स, यू आर गुड एट कोऑर्डिनेशन स्किल्स,
बिकॉज आप किसी गेम में तभी हैं, टीम को तभी मैनेज कर रहे हैं, या टीम को लीड आप तब कर रहे हैं जब आपको पता है किसको कहाँ पे खिलाना है। वही तो बच्चों से डील करना है। जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में हमने बात किया वो ऐसे ही देंगे ना कि भाई बच्चे शोर कर रहे हैं आप कैसे संभालोगे, तो क्या आप उसको इनडिसिप्लिन बोल दोगे? जैसे लास्ट में एक सर ने बार बार इनडिसिप्लिन डिसिप्लिन की बात कर रहे थे छोटे बच्चे के लिए, तो छोटे बच्चे को बार बार इनडिसिप्लिन बोलोगे ये सही नहीं है, वो उसका एटीट्यूड है, वो तो हमें बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चा तो टोटल साइंटिस्ट और आर्टिस्ट होता है, वो हर चीज़ जान करके करके जानना चाहता है। हम जानने वाले लोग नहीं, हम मानने वाले लोग हैं। किसी की किताब पढ़ ली, रट आया, उगल आए, तो बच्चों से तो वो सीखने वाली चीज़ है। तो आप उसको पॉजिटिवली कह सकते हैं कि सर हम बच्चों से ये सीख सकते हैं, वो बिल्कुल लर्न करते हैं, और उनको किस तरीके से मोल्ड करना है वो हमारा काम है, रादर देन ये कि तुम चुप हो जाओ, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी शिकायत हो जाएगी, ये नहीं करना है। तो कुछ क्रिएटिवली किस तरह से आप उनको एंगेज करें, उनकी क्यूरियोसिटी को एंगेज करें, वो ध्यान में रखना है। हाँ क्वेश्चन सर, हाँ ठीक है सर, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये कॉमन क्वेश्चन होगा बहुत सारे लोगों के लिए, आया ना, हाँ ये कॉमन क्वेश्चन होगा, तो इसका जवाब दे लेते हैं। मैम को भी ऐड करना होगा कर देंगे। देखो मेरी समझ से, जो मुझे समझ है, एक तो बाइलिंगुअल चलता है इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, लेकिन इंग्लिश होना चाहिए। कई बार ये होता है कि जब पैनल सवाल अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आपको जवाब इंग्लिश में देना शुरू करना है। तो कम से कम ये इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाला जो पोर्शन है 30-40 सेकेंड का, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। हमारा एक्सपीरियंस पिछली बार बड़ा गड़बड़ था, जो सर ने बायोडेटा लिखा था उसमें भारी भारी ग्रामेटिकल गलतियाँ थी, एंड द मोमेंट ही स्टार्टेड स्पीकिंग बहुत बड़ी, जबकि नंबर उनका स्कोर काफ़ी अच्छा था, बट दिक्कत होती है लोगों को बोलने में। पीआरटी में 157 स्कोर था उनका, मतलब, एंड दैट वाज रियली शॉकिंग टू मी। मतलब वो 30-40 सेकंड तक सही अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे, स्ट्रक्चर वाज नॉट करेक्ट, वो चीज बहुत बैकफायर करेगी। तो कम से कम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का, माय नेम इज दिस, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई डिड माय ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज, राइट, वॉट एवर क्वालिफिकेशन यू हैव, ट्रेनिंग यू हैव, यू कैन इजिली मेंशन दैट। वो सब चीज़ें करें आप, उतना प्रिपेयर जरूर करके जाएं, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वो सवाल पूछ रहे हैं इंग्लिश में एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल इन आंसरिंग इंग्लिश, तो आप हिंदी में उसको क्या कर सकते हैं, हाँ रिप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू वहाँ पर नहीं है। एक दिक्कत ये नहीं होनी चाहिए कि लाइक आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर रहे हो, क्योंकि अब अंग्रेजी में आ नहीं रहा तो हिंदी में चले गए, वो बहुत गड़बड़ होता है, राइट। पहले ही आप रुक जाइए, और कहीं ऐसा ना हो कि जो आपके पास जवाब अच्छे हैं, बात अच्छी है, बट लैंग्वेज बैरियर बन रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज पैन इंडिया काम करना है, हर राज्य में काम करना है, रीजनल लैंग्वेज में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बट ऐसा ना हो कि यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड दैट्स वाई यू स्विच टू द अदर लैंग्वेज, राइट। अब सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, और अचानक आपके दिमाग में संस्कृत का श्लोक आ गया, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, तो ये एक वैल्यू एडिशन करेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। द पर्सन इज स्पीकिंग एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक इंग्लिश, बट नाउ द पर्सन स्विच टू दिस संस्कृत श्लोक एज वेल, आर यू कैन से द कबीर का दोहा एज वेल। मैं लास्ट क्लास में केयरलेस और केयरफ्री का डिफरेंस पूछ रहा था, लापरवाह और बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो शाहन के शाह। ये चीज़ें अप्रिशिएट करी जाएंगी, बिकॉज हर भाषा के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं, बट इफ़ यू डूइंग इसलिए कि नहीं अंग्रेजी आ रही तो हिंदी में करके, तो वो बैकफायर करता है। और कोई सवाल? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये जो हिंदी वाले लोग अंडर कॉन्फिडेंट और डिफिडेंट होके मत जाइए, आप अपने स्किन में कंफर्टेबल रहिए, देयर इज नो इश्यू इन दैट। मैंने क्या कहा कि आइडिया इज इंपॉर्टेंट, आंसर इज इंपॉर्टेंट, नॉट द लैंग्वेज। अब जैसे हमारा लास्ट में एक्सपीरियंस रहा कि एक सर जो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे थे, ही वॉज टेकिंग मच टाइम इन स्ट्रक्चरिंग सेंटेंसेज, एंड उस प्रोसेस के अंदर वो खो जा रहे थे, वो कभी छत देख रहे हैं, कभी मैम ने सवाल पूछा मैम को ही देखते रह गए, कभी कुर्सी घूम गई, तो वो मतलब ही इज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो दिस शुड नॉट हैपन इन इंटरव्यू। आप अपनी जगह पर, वहाँ सारा ज्ञान खत्म हो गया, कुर्सी पर ऐसे बैठना होता है, इधर नहीं मुड़ना होता हाथ, वो सब काफूर हो जाता है उस समय, सर खुजला रहे हैं, कभी स्लाउच बैक हो जा रहे हैं चेयर पे, कभी आगे हो गए, तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए अपना, मतलब बिल्कुल। और एक सर थे, उनका बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बट आंसर में कहानी बहुत थी। उनके पास ये था कि तुम कुछ भी पूछो मेरे पास जवाब है, आई एम अ राजनेता, आई नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, यू नो, घुमावदार जलेबी, तो वो भी नहीं चाहिए, वो एक टीचर का हॉलमार्क नहीं है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक,
ठीक है? तो हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। इंटरेस्ट एंड हॉबीज, यस। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग। एक तो हॉबीज और इंटरेस्ट में फर्क पता है किसी को, या दोनों को साथ लेके चलते हैं? एनीबडी वुड लाइक टू डू एनी साइड ऑफ वैल्यू एडिशन? हाँ जी मैम, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अच्छा, या वाइस वर्सा नहीं है क्या? वाइस वर्सा है, आप जो कह रहे हो थैंक यू, वो हो जाता है कई बार दिमाग में, वाइस वर्सा है जो आपने कहा। इंटरेस्ट में आप थोड़े ज्यादा गहराई में जाते हैं, हाँ या ना? हॉबीज आप अपने फ्री टाइम में करते हैं, तो इसीलिए। हाँ ठीक है, थैंक यू, क्लियर भी हो गया। हाँ मैं अभी आता हूँ और डिटेल में। ओके, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो ये कौन कह रहा है कि अचीवमेंट सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है? फिर और क्या हो सकता है? आपकी एकेडमिक से रिलेटेड हो सकती है। आपने आपने कहीं पे कोई जॉब किया, वहां पे कोई सिचुएशन आई, या आपके ऊपर विश्वास जताया गया, आपको एक टीम का लीड बनाया गया, आपने कुछ वहां पे किया, तो जब आप थोड़े एग्जाम्पल्स छोड़ोगे तो निकलेगा उसी जिंदगी से। मैंने ये एडिशन में रखा है कि आप ऐसा नहीं कि टीचर बनने जा रहे हो, पुरानी वाली जो शायरी है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, उस मेंटेलिटी से मत जाओ वहां पे। मेरा कहना ये है कि अगर आपका स्पोर्ट्स का है तो उसको बताइए, वो बहुत सारी जो पीपल स्किल्स होती है हमारे अंदर उसको सब्सटेंशिएट करता है रियल सेंस में, ना कि जस्ट बोलने बोलने। या कहेंगे ठीक है मैं इस पे जानने की कोशिश करूंगा आगे, है ना, इस तरह की बात। वेलकम। एक क्वेश्चन और था ना, एक लैंग्वेज का जो क्वेश्चन था ना, आप लोग बहुत एप्रीहेंसिव रहते हो लैंग्वेज को लेके, इतना डरने की जरूरत नहीं है। देखो अगर तो आप टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए जा रहे हो, देन यू शुड बी वेरी फ्लुएंट विद इंग्लिश, दैट विल बी एन एज फॉर यू। अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसा सर ने कहा, एक इंट्रो प्रिपेयर कर लो, सो दैट उनको लगे कि द कैंडिडेट इज ट्राइंग, क्योंकि पैन इंडिया प्रेजेंस है तो इंग्लिश तो आपको यूज़ तो आएगी आएगी। अभी नहीं आती है तो सीखनी पड़ेगी, अभी से स्टार्ट कर दोगे तो थोड़ा सा प्रोसेस मतलब स्टार्ट हो चुका होगा और आप जल्दी सीख जाओगे, तो सीखनी तो आपको पड़ेगी। सर्वाइवल बहुत मुश्किल है अगर कहीं इधर उधर पोस्टिंग हो जाती है, हिंदी बोलने वाली स्टेट में होती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप में ना ये नहीं, घबराना नहीं है, आप आंसर दीजिए, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप फंबल सिर्फ इसलिए ना करिए कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है। आप स्टार्ट करिए इंग्लिश में एंड देन क्विकली स्विच, तब स्विच नहीं करना जब आप बिल्कुल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाओ, आपको आपको पता ही नहीं आगे क्या बोलना है, एक दो चार दस सेकेंड का पॉज लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत ही आपको पता है कि मुझे नहीं आता, एक दो लाइन आती है, एक दो लाइन बोली और अपनी लैंग्वेज में जहाँ कंफर्टेबल है स्विच कर जाइए, ठीक है?
तो ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश बोलने के चक्कर में आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, आपको नहीं आ रही है तब भी आप गलत शलत बोल रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा सा स्टार्ट करिए और फिर स्विच कर जाइए, उससे सामने वाले को पता चल जाएगा इंटरव्यूअर को कि इसको इंग्लिश इतनी नहीं आ रही है बट स्टिल ही इज़ ट्राइंग, ही और शी इज़ ट्राइंग, तो वो आपने करना है। और हॉबी और इंटरेस्ट वाले में जैसा आप ड्राइंग के लिए बोल रहे हो, देखो आपने खुद ही बताया कि मैंने ये किया ये किया, आप किसी भी स्टेट का आपसे पूछ लेंगे ड्राइंग, अगर आपको आता है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछे जो आपको आता है आप आंसर कर दोगे, नहीं आता आप कहोगे आई एम सॉरी सर आई नीड टू सी दिस आई नीड टू चेक ऑन दिस बस। तो ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको नहीं आते होंगे कहीं से भी, तो उसके लिए आपको आता है तो आप ट्राई करिए, नहीं आता तो यू कैन से आई नीड टू चेक ऑन इट और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड कि क्या पूछ लेंगे, क्या बॉम्बार्डमेंट होगी, ऐसा नहीं है, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। वो उन्हीं को ही डिसक्वालीफाइड कौन कैंडिडेट होता है, वो होता है जो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, जो अपनी टैलेंट को बता के ही नहीं आ पाते, एकदम ब्लैंक आउट हो जाते हैं, तभी वो लोग बहुत कम मार्क्स देते हैं। अदरवाइज वहाँ सब लोग बहुत अच्छे लोग बैठे होते हैं और वो समझते हैं आपको, कंफर्टेबल भी फील करवाते हैं। सो यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है ना वो कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंट अगर आप हो तो आपके सिलेक्शन के 100% चांसेस है। और आपको सब कुछ आता है और कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, इधर उधर देख रहे हो, फंबल कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज घबरा रहे हो, फिडल कर रहे हो, लेग्स हिला रहे हो, ऐसे कर, तो वो तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगता है, तो नेगेटिव चला जाता है। उन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। थोड़ा मैं वो हॉबीज इंटरेस्ट वाला आंसर पूरा कर देता हूँ जी मैम। जी बिल्कुल। तो हॉबीज इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें पता है, हॉबीज वो होता है जो आप मतलब खाली समय में कर लेते हो, बट जब आप इंटरेस्ट बोलते हो तो उस चीज़ में थोड़ी गहराई से पता होना चाहिए। अब जैसे मैम ने म्यूजिक वाला एग्जाम्पल दिया कि आप अगर बोल रहे हो कि नहीं लिसनिंग म्यूजिक, जैसे लोग बोल देते हैं, लिखने में भी लिखते हैं हॉबीज लिसनिंग म्यूजिक, वो वेलकम है। अगले सवाल का कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, तो संभालने के लिए हो, ये नहीं कि नहीं जैज पॉप रॉक, पूछेंगे जैज में कौन सा सिंगर पसंद है, लास्ट एल्बम कब आया था, तो बोलने के लिए मत कुछ बोल दीजिए। अगर आप लिटरली म्यूजिक सुनते हैं, एक खास जॉनरे का म्यूजिक आपको पसंद है, आप उसके बारे में कुछ सवाल का आंसर कर सकते हो, तो आप बोलो आई एम अ फिल्म बफ, तो किस तरह का सिनेमा आपको पसंद है, किस तरह की फिल्में देखते हैं, या ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि क्या चेंज आपको देखने को मिला है पिछले 20 सालों में, अगर हम टिपिकल हिंदी सिनेमा की बात करें, या OTT के आने के बाद ये पूरा लैंडस्केप आप कैसे देखते हैं। तो अगर आपके पास तैयारी है तो जवाब दीजिए इस तरीके का। तो इंटरेस्ट का मतलब थोड़ा सा मतलब आपको पता होना चाहिए, गहराई से पता होना चाहिए। और अगर क्रिकेट का जैसे मैम ने कहा देखना पसंद है, खेलना पसंद नहीं है, तो रिकॉर्ड्स के बारे में आपको पता होगा फिर, राइट। क्रिकेटर्स पसंद होते हैं, अच्छा बॉलर पसंद है, उन्होंने ये किया वो किया, तो वो फिर आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा याद आ रहा है, मैं कैट का एक इंटरव्यू ले रहा था कुछ 5-6 साल पहले, एक कैंडिडेट बोलती है मुझे फिशरी बहुत पसंद है, तो मुझे तो फिशरी के बारे में कुछ नहीं पता, बट मेरे बगल में जो पैनल बैठे थे उनको पता था। अब वो मछलियों की प्रजातियाँ पूछने लग गए, कहे इसका चारा कहाँ मिलता है दिल्ली में, वो लड़की सब बताने लग गई और 5 मिनट बाद मछली पालन पे हो गई उसके साथ। और उससे क्या पता लग रहा है, उससे ये पता लग रहा है कि शी इज़ अ रियल पर्सन। वहाँ पे ये भी जानना जरूरी है ना कि तुम जो फेक कितना करोगे, तो अगर कोई सवाल आप संभाल सकते तो उसमें मज़ा आता है, वो पूछ लेते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि इंटरव्यू लंबा गया तो सिलेक्शन होगा या छोटा हुआ तो सर, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार मज़ा आ रहा है वो लंबा भी कर लेते हैं, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि वो सिलेक्शन ही होगा, भाई कोई मज़े ही ले रहा था तो कोई भी कहने का मतलब कोई प्री कंसीव्ड नोशन बना के मत जाइए, हल्के रहिए, लाइट रहिए वहाँ पे, और ऐसे जाइए जैसे दोस्त से बातचीत करनी बट फॉर्मल तरीके से। ये नहीं कि दोस्त से बात करनी तो कोई बात नहीं, वो बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए, तब आप अच्छे से संभाल लोगे।